वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो यार कल से बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके मैसेज करके कह रहे हैं कि यार पृथ्वीराज साहब ने सलार को लेकर इंटरव्यू दिया है वो क्या है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कोई अपडेट दिया है, उन्होंने कोई रिलीज डेट बताई है या टीजर के बारे में कुछ कहा है, उन्होंने क्या कहा। और कुछ भाई लोग ये भी कह रहे थे कि यार हमें उनका इंटरव्यू समझ ही नहीं आया क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में था, तमिल तेलुगु जो भी थी, तो हम तो हिंदी जानते हैं तो हमें इंटरव्यू समझ ही नहीं आया। आप बताओ कि क्या कोई इंपॉर्टेंट बात थी, कोई अपडेट थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पृथ्वीराज ने सलार को लेकर जो कहा है वो कोई अपडेट नहीं है। बेसिकली वो इंटरव्यू दे रहे थे जैसे नॉर्मल एक्टर से इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे सलार के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए हैं सिंपल। लेकिन एक चीज तो अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि पृथ्वीराज सलार के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से, मींस के काफी टाइम पहले बहुत से भाई लोगों का कहना था कि नहीं यार सालार के अंदर मेन लीड रोल में प्रभास हैं, उनके अलावा जो कास्ट है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। मींस के पृथ्वीराज का भी कह रहे थे कि ये नहीं है। तो अब दोस्तों कल जो इंटरव्यू दिया पृथ्वीराज साहब ने, कल या परसों जो भी था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हाँ मैं सालार में हूँ, 2 साल पहले मुझे सालार की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी स्क्रिप्ट, और मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई और दोस्तों मैंने उसी टाइम हाँ कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि प्रशांत नील मेरे दोस्त हैं और जो फिल्म बना रही है होमबले प्रोडक्शन कंपनी, वो भी मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे भाई लोग जो हैं वो दोस्त हैं मेरे, तो मैंने, और ऊपर से प्रभास की फिल्म थी तो मैं ना नहीं कर पाया क्योंकि प्रभास के साथ भी मेरी अच्छी हाय हेलो है, तो दैट्स वाई मैंने सालार को लेकर हाँ कर दी। लेकिन हुआ ये था कि 2 साल पहले उनको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, मीन्स के 1 साल बाद मूवी ने रिलीज होना था, लेकिन फिर कोविड आ गया, मूवीज पोस्टपोन होना स्टार्ट हो गई, शूटिंग जो थी वो डिलेड होना स्टार्ट होगी, जिस वजह से पृथ्वीराज ने कहा कि मैं और कॉन्सेप्ट को लेकर भी थोड़ा सा बिजी हूं जिस वजह से मैं सलार नहीं कर सकता। लेकिन फिर प्रभास ने उन्हें मनाया, उनका मींस के प्रभास ने उन्हें कुछ कहा होगा कि नहीं यार कर लो या कुछ ऐसा सीन, तो फिर वो प्रभास के कहने पे उन्होंने सलार दोबारा की और अभी सलार की शूटिंग चल रही है और वो सलार के अंदर हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उनका सलार के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब दोस्तों ये कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट रोल है, तो मुझे लग रहा है कि मे भी दोस्तों हो सकता है वो सालार के, मींस के प्रभास के ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स दोस्तों अब दो हीरो तो एक फिल्म में होने से रहे, ये हो सकता है कि एक हीरो हो और एक विलन, मे भी प्रभास को विलन बनाया जाए, सॉरी प्रभास हीरो होंगे, पृथ्वीराज साहब को विलन बनाया जाए, कोई और भी विलन हो सकता है, कोई ऐसा सीन हो सकता है, या इसके अलावा भी मे भी कोई और बहुत बड़ा रोल हो सकता है पृथ्वीराज का। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि एक की फिल्म में दो बहुत बड़े स्टार देखने को मिलने वाले हैं, पृथ्वीराज और प्रभास, तो दोस्तों बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और जब ये आएगी तो फाड़ करके रख देगी। खैर दोस्तों टीजर की अभी तक वही अपडेट है, टीजर आपको देखने को मिलने वाला है जुलाई के 2nd वीक में, इससे रिलेटेड जैसी कोई ऑफिशियल कंफर्म अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक के लिए इतनी, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।